जो लोग आज सियासत कर रहे हैं, ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी का ख्वाब दिखा रहे थे। 96 में कहाँ थे ये लोग? हम लोग नहीं है ना जिन्होंने इस झंडे की सियासत की। झंडा दिखाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का हक है, और कानून ये कहता है कि जब तक आपको गुनहगार साबित नहीं किया जाता, आपको बेगुनाह समझा जाता है। अगर कानून ये कहता है तो चाहे वो जो भी हो, उनको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। बीजेपी कह रहे हैं कि 60 साल में आज तक तमिल तरक्की नहीं, कभी नहीं हुई है, आज तो तमिल तरक्की हो रही है। किसने कहा? बीजेपी। तो इलेक्शन कराए ना। सीधा सीधा जवाब है, अगर इतनी तरक्की हुई है तो इलेक्शन कराइए और लोगों को मौका दे दीजिए। अगर उन्होंने इतना काम किया है तो जरूर लोग उनको वोट देंगे, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी। ऐसा क्यों है कि इतना काम अगर उन्होंने किया है तो वो बल्दियाती इलेक्शनों से भी भाग गए, पंचायत इलेक्शन से भी भाग गए, असेंबली इलेक्शन से भी भाग गए? कहीं ना कहीं तो उनके कहने और जमीनी सतह पे जो हालात हैं उसमें फर्क है। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध पानी का पानी। अल्ताफ बुखारी रिसेंटली कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जो एनसीआई या पीडीपी है, अभी रिटायर जमाते कुछ क्या नहीं छोड़िए। मतलब जिस तरह बिजली का बोरान काफी ज्यादा है, जिस तरह गरीब लोगों का कनेक्शन काट रहा है, जितने भी सरकारी दफातर है उनको करोड़ रुपए फी बकाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे आसान है लोगों को तंग करना, मीटर लगाना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, सिक्योरिटी के कैंपों पे हो रहा है, मीटर वहां पे भी लगने चाहिए। और उनका जो आउटस्टैंडिंग है पहले वो हासिल करो, उसके बाद गरीबों को तंग करो जो सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे पैसा लिया जाना चाहिए जो सबसे कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तंग उनको किया जा रहा है। ये हुकूमत का जो ये इस हुकूमत की जो पॉलिसी है ये अजीब ही है, और ये हर लिहाज से आपको दिख रहा है। ये मतलब यही तो बदकिस्मती है, क्योंकि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लोगों की तकलीफों का इनको जरा सा भी एहसास नहीं है। अच्छा, उठाना चाहिए। किसने एतराज किया? मैंने खुद 6 साल 15 अगस्त को ये झंडा लहराया है, मैंने इस झंडे की सलामी ली है। हमने कब इस झंडे से जो है रिश्ता नहीं रखा? हमने इस झंडे के लिए कुर्बानियां दी और 47 से दी। हमलावार खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, ये नारा कहाँ से आया? ये बाबा ए कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त एक मुहिम चलाई, नकली बंदूक तक बांटे गए यहाँ लोगों के, ताकि उन हमलावरों का हम मुकाबला करें। तब से लेके आज तक 90 के बाद जब बंदूकें आई, जो लोग आज सियासत कर रहे हैं उन्होंने उस वक्त बंदूक का भी फायदा लिया, जब हमारे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर उनको निशाना बनाया जा रहा था, ये लोग ऐश कर रहे थे, ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी का ख्वाब दिखा रहे थे, ये यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में बंदूक दे रहे थे, उस बंदूक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को शिकार बनाया गया। ये तब था, तब जब हमने इस झंडे का हाथ को थाम के रखा था। 96 में कहाँ थे ये लोग जब फारूक अब्दुल्ला साहब अकेले निकले और यहाँ दोबारा जमहूरियत को कायम की और इस झंडे को थाम के रखा? 15 अगस्त 2002 वो रील निकाल लिया, आपके पास वो रील होगी, जब फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त मोटरसाइकिल के पीछे बैठे, पुलिस के मोटरसाइकिल पे बख्शी स्टेडियम के अंदर, और उसने हाथ में तिरंगा पकड़ के रखा हुआ था। निकालिए वो रील, आप लोगों के पास होगी अपने रिकॉर्ड में। हम लोग नहीं है ना जिन्होंने इस झंडे की सियासत की। मैंने सिर्फ यही कहा कि सिर्फ झंडा दिखाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, लोगों के जो 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 जज्बात हैं उनकी कदर होनी चाहिए, लोगों के जो मुतालबे हैं वो मुतालबे हल होने चाहिए। लोगों का ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है, ये डेमोक्रेसी लखनपुर पहुंचते पहुंचते क्यों खत्म हो जाती है? क्या यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को हक नहीं है अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने का?
ये ठीक है ना बाप, झंडा हमारे सिर आंखों पे, इस झंडे की कदर करना वो हम जानते हैं। हजारों की तादाद में मेरे साथी जो हैं वो कुर्बान हुए हैं इस झंडे की कदर करते हुए। झंडे की कदर की सबक जो है हमें वो सीखने की जरूरत नहीं है किसी से, लेकिन लेकिन कम से कम जमहूरियत का जो कत्ल हो रहा है जम्मू कश्मीर में वो सिलसिला रुकना चाहिए। सर, छब्बीस ग्यारह जो टेरर अटैक हुआ था उसकी बरसी आज है, वो एक उसको ब्लैक डे ही और क्या कह सकते हैं, अफसोसनाक वाका जिस तरह वो हुआ। और मुझे लगता है बड़ी बात ये है कि उसके बाद इस तरह का हमला मुल्क में हो नहीं पाया, और हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि 26 नवंबर जैसा हमला कभी दोबारा इस मुल्क को ना देखना पड़े। उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं।